लेकिन जो जो हम कभी हमें कभी कबूल नहीं करना चाहिए वो है गुलामी। कभी भी दुनिया की तारीख में वो कौम जो गुलाम हो उसने कभी कभी नहीं वो कौम उठ सकती। इसलिए हमारे जो नजरियाती लीडर इल्लामा इकबाल, उन्होंने सारा उनकी शायरी आप पढ़े, उस सब में क्या कोशिश है उनकी, कोई इंसान की, सोए हुए मुसलमानों की, गुलाम मुसलमानों की, खुद ही को उठा रहे थे, खुददारी को, एक कौम को जगा रहे थे। क्योंकि इल्लामा इकबाल ने कहा कि कभी कोई गुलाम कौम उधर नहीं पहुंच सकती जिधर मुसलमानों को पहुंचना चाहिए। तो मेरे बादशाहूर शहरियों, ये जो इलेक्शन है ये कोई इलेक्शन आम इलेक्शन नहीं है, ये असल में एक वाकई कौमी दो नजरिए का इलेक्शन है। एक तरफ गुलाम, अमरीकी के गुलाम, पैसे के गुलाम, उस पैसे के बचाने के लिए किसी की भी गुलामी करने के लिए तैयार है, इसराइल को कबूल करने के लिए तैयार है, कश्मीरियों की कुर्बानी को बेचने के लिए तैयार है, नरेंद्र मोदी को घर पर शादी बनाने के लिए तैयार है, सिर्फ इसलिए कि वो बचा सकता है इनका पैसा। ये वो लोग हैं यहां से पैसा बनाते हैं और सारी जायदाद अरबों अरबों डॉलर मुल्क से बाहर पड़े, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, वहां इधर से पैसा चोरी करके बाहर। ये दो खानदान
जो 32 साल से इस मुल्क पे हुकूमत करते रहे, ये पाकिस्तानियों, ये इनके नजरिए के खिलाफ एक वो पाकिस्तान की आजादी की जंग है जो पाकिस्तान बनना चाहिए था। मैं भी इमरान हूँ, तू भी इमरान है, हम हैं पाकिस्तानी है।